हाय, आज का जो मेरा वीडियो है वो डर्मा रोलर पे है। और आज मैं अपने वीडियो में एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज का मेरा वीडियो मेरे अब तक के वीडियोस में मेरा फेवरेट वीडियो होने जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि मुझे काफ़ी सारे एक्ने स्कार्स थे और वो मेरे इस वीडियो को मान लो या मेरे इस प्रोसीजर को मान लो, इसकी वजह से ही मुझे एक्ने स्कार्स कम हुए। अभी भी मुझे बहुत लाइट लाइट है, इतना शो नहीं होता है, लेकिन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डर्मा रोलर पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं। बिल्कुल बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, मुझे अभी तक तो मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है जो यूट्यूब पे बना हो। मैंने माइक्रो नीडलिंग के, डर्मा रोलिंग के बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं यूट्यूब पर, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है अभी तक। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। जैसे कि आज मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल अपने फेस को वॉश किया है, मेरा जो फेवरेट फेस वॉश है कैटपिल का, इससे। इसके बाद मैंने अपने फेस पर, मुझे आई थिंक 25 to 30 minutes हो चुके हैं इस ट्यूब को अप्लाई किए। इस ट्यूब का नाम है चॉप लैब। अब आपको जानना ये है क्या, बिल्कुल अगर आप लोगों में से एक्ने स्कार्स हैं, काफ़ी सारे लोगों को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत टाइम से सीरम्स यूज़ कर रहे होंगे, रेटिनॉइड यूज़ कर रहे होंगे, ट्रेटिनॉइड यूज़ कर रहे होंगे, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट फेस पे लिए होंगे, सेल्फ से खुद से यूट्यूब को देख कर होम रेमेडीज़ वगैरह अप्लाई की होंगी, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। बिल्कुल मैं यही कहूँगी, मेरा वीडियो चाहे किसी को भी वीडियो, अगर आपका जो स्कार्स है एक लिमिट से ज़्यादा और एक टाइम निकल चुका, उसको 2-3, 4-5 साल का पीरियड्स हो चुका, और अगर कोई दावा करता है कि कोई होम रेमेडी से आपके एक्ने स्कार्स को ठीक कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और अगर अभी आप वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे को भी ये चीज़ था, गलतफहमी था कि मैं ये चीज़ ऐसे ठीक कर सकती हूँ जो भी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था मुझे एक्ने के स्कार्स आए थे, तो उन्होंने मुझे लेज़र प्रेफर किया था, बट उन्होंने मुझे लेज़र के साथ साथ उन्होंने कहा था वो कुछ सीजन, मतलब सब सीजन्स करेंगे और माइक्रो नीडलिंग करेंगे, वो लोग TCA पील भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोसीजर बताए थे। मैंने जब वो प्रोसीजर यूट्यूब पर उठाकर देखे तो भाई वो इतने ज़्यादा पेनिक थे ना, मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था, बट पेशेंट के फेस पे वो पेन नज़र नहीं आ रहा था। शायद इस वजह से कि जब कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट देता है, माइक्रो नीडलिंग देता है, माइक्रो जो भी करता है, वो लेज़र करता है या फिर पील वगैरह करता है, तो उससे पहले वो हमारी स्किन पर ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है जिसकी वजह से 40 मिनट वो प्रोडक्ट लगाने के छोड़ने के बाद हमारी स्किन बिल्कुल सुन्न हो जाती है, हमें कुछ फील नहीं होता हाफ एन आवर तक। उस प्रोसीजर के बीच फिर आप हमारे फेस पे कुछ भी करो, हमें बिल्कुल बहुत नेक के बराबर पेन फील होता है, वरना होता ही नहीं। तो मेरा जो वीडियो है वो आज इसी चीज़ पर है कि जब मैंने माइक्रो नीडलिंग वगैरह देखी, तो मैंने यूट्यूब पे देखकर अपना फर्स्ट जो डर्मा रोलर मंगाया था, मैंने वो मंगाया था 0.5 mm का, अमेजोन से मंगाया था मैंने ये, और इसमें 540 निडल्स होती है। ये हो चाहे कोई और हो, मैं ना बहुत डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे डिटेल में कुछ नहीं पता। ये जो लोग बातें करते हैं ना, टिश्यू बनता है, कॉलेजन बनता है, ये होता वो होता, मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे ये पता है मैंने क्या किया, मुझे रिजल्ट्स कैसे मिले हैं, मुझे सिर्फ इतनी सी बात पता है। मैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बहुत सारी कुछ लॉजिकल इनलॉजिकल बातें पढ़ कर मैं उस पर वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस क्या है फिर, आप तो वही चीज़ बोल रहे हो ना जो आपने पढ़ी है। तो मैंने 0.5 mm का डर्मा रोलर यूज़ किया, इससे मुझे पेन होता था, बहुत लाइट पेन होता था, बट मुझे पेन होता था इसको यूज़ करने के बाद। और मैंने देखा मुझे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते थे, मुझे बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिलते थे इसको यूज़ करने के बाद। बहुत लाइट लाइट सा रिजल्ट्स मिल रहा था, मेरा टाइम जाता जा रहा था, मुझे बड़ा वो हो रहा था। उसके बाद मैंने फिर इंटरनेट पर पढ़ा कि अगर आपको एक्ने स्कार्स के एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए, तो आपको जो इनके निडल्स का साइज़ है वो बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पर ये 0.5 है वहाँ पर हम लोग को 1.5 इसको कम से कम यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप लोग के एक्ने स्कार्स में कुछ इम्प्रूव हो सकता है, वरना बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो 1.5 mm ये तो बहुत, देखा जाए तो बड़ी मोटी निडल्स होती है, अगर ये फेस पे जाएगी तो कैसे होगा। और अगर आप सोचते हो बहुत लाइट डर्मा रोलिंग करके रिजल्ट्स लेने के, बिल्कुल नहीं मिलने वाला, कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला आपको, पॉसिबल ही नहीं है यार। तो मैंने 1.5 का लिया, लेकिन उससे पहले मैंने काफ़ी सारा सर्च किया, मैंने अपने डॉक्टर से बात करी, उसके बाद मुझे फाइनली इस ट्यूब के बारे में पता चला, इस ऑयलमेंट के बारे में पता चला जिसका नाम है टॉप लैब।
आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माइक्रो नीडलिंग करना चाहते हैं और 0.5 mm यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे बंद कर दें, क्योंकि उसके रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। आपका जो भी अच्छा माइल्ड फेस वॉश है, अगर आप डर्मा रोलिंग करना चाहते हैं तो आप माइल्ड फेस वॉश अपने फेस पे अप्लाई करें। देन आप ये टॉप लैप करके ट्यूब है, आप इसको फेस पे अप्लाई करें। इसकी एक लेयर जहाँ पर स्कार्स है, जहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना है, माइक्रो नीडलिंग करना है, आप इसको फेस पे अप्लाई करने के बाद 25 to 30 मिनट रहने दें। अब 30 मिनट बाद फील करेंगे आपको स्किन फील नहीं होगी, स्किन में आपको पेन फील नहीं होगा। जैसे कि मुझे 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी मुझे स्किन में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। ये मेरा डर्मा रोलर है 1.5 mm का, 1.5 mm का, जो कि मैंने परचेज़ किया बाद में, और मैं इसको 1 ईयर से अभी तक यूज़ कर ही रही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ लाइट एक्ने स्कार्स हैं। अगर मैं कहूँ आपको 2, 3, 4, 5 सेटिंग में ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। अगर होता तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन जाते, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन जाती। उनके ट्रीटमेंट में और हमारे ट्रीटमेंट में बहुत डिफरेंस है। लेकिन आपने अगर माइक्रो नीडलिंग के उनके प्रोसीजर देखे होंगे तो 1.5 नहीं और 2.5 यूज़ करते हैं। प्लस जब आपने उनको करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा पेशेंट को काफ़ी सारा ब्लड आ रहा होता है, बट उसके फेस पर शिकन नहीं होती। उसका रीज़न है कि जो मेरे फेस पे भी मेडिसिन लगा हुआ है, इस मेडिसिन की वजह से मेरी आवाज़ में भी एक भारीपन पैदा हो रहा है। मुझे इतना भारीपन लग रहा है क्योंकि मुझे फेस ही फील नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये करके बताती हूँ, मेरा कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं अपनी मर्जी से करती हूँ इसको, और जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं उसको वैसा यूज़ करती हूँ। मुझे वो वर्टिकल करो, ये करो, वो करो भी सीरियसली मुझे अभी तक नहीं आता है, क्योंकि मैंने वो कभी ट्राई ही नहीं किया है। अब मैं आपको एक साइड अपना करके बताती हूँ। कुछ फील हुआ? मेरे यहाँ रेडनेस होने लग गई, और इसका जो मेरा प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैं इसको तब तक करती हूँ जब तक कि मेरी स्किन में मुझे फील नहीं होता कि एक रेडनेस एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ जाती कि हाँ ये प्रॉपर अब रेड हो चुका है। कुछ डिफरेंस नज़र आया? आपको ये माइक्रो नीडलिंग इस ऑयलमेंट को यूज़ करने के बाद अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ट्रस्ट में आपको कोई पेन नहीं होने वाला है। एक बार आप ट्राई करके देखें, आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 1 वीक यूज़ करने के बाद आप चाहते हैं आपको रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको एक्ने स्कार्स हैं तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये एक्ने स्कार्स बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं तो भाई आप 1 साल तो भूल जाओ कि कुछ हो सकता है। ये है प्लम का विटामिन सी का सीरम। जब भी मैं माइक्रो नीडलिंग करती हूँ, उसके बाद जो मेरा ट्यूब तो ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके बाद जब मेरा ये पूरा हो जाएगा, मैं अपने फेस को गुनगुने पानी से वॉश करूँगी, उसके बाद मैं सिर्फ अपने फेस पे विटामिन सी का प्लम का ये जो है सीरम यूज़ करूँगी। इसके अलावा अपने फेस पे कुछ यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और ऐसा नहीं मैं नाइट में करती हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है मैं तभी डर्मा रोलिंग करती हूँ वीक में एक बार। इसके बाद इवनिंग में मैं फेस वॉश करके मेरा जो भी मॉइस्चराइज़र है उससे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी, और बस कल मॉर्निंग में मैं फेस वॉश करूँगी। आज मैं कोई फेस वॉश नहीं करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार ये ट्राई करें, 1.5 mm का डर्मा रोलर टॉप लैप ट्यूब, और आप इसके रिजल्ट देखें। आपको खुद को लगेगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डॉक्टर का माइक्रो नीडलिंग्स सेशन, वो लोग इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और ये सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है स्किन पे कि आपको लगे कि हमारा कोई साइड इफेक्ट निकल के आएगा, बिल्कुल नहीं निकल के आएगा। मेरा एक्सपीरियंस डर्मा रोलर विद टॉप लैप के साथ बहुत अच्छा रहा है। अब आप अपना एक्सपीरियंस देखिए, यूज़ कीजिए, और पक्का आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। थैंक यू।